इस समय की बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आ रही है, जहां पर हरियाणा के लिए 8 जिलों से कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा सीटों के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर हरियाणा के और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा के कुछ कैंडिडेट्स की घोषणा की गई है। हम आपको अम्बाला के अलावा हरियाणा के उन 8 कैंडिडेट्स का नाम बता रहे हैं जिनके नामों पर पार्टी हाईकमान ने मोहर लगा दी है। अम्बाला से रतनलाल कटारिया के नाम पर मोहर लगी है, कुरुक्षेत्रा से नैब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी है, सिरसा से श्रीमती सुनीता दुग्गल के नाम पर मोहर लगी है, करनाल से श्री संजय भाटिया के नाम पर मोहर लगी है, सोनीपत से श्री रमेश चंद्र कौशिक के नाम पर मोहर लगी है, ऐसे ही भिवानी और महेंद्रगढ़ से श्री धर्मवीर सिंह के नाम पर मोहर लगी है, गुड़गांव से श्री राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर मोहर लगी है और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुज्जर के नाम पर मोहर लगी है। हालांकि पार्टी ने हिसार और रोहतक, इन दो जगहों पर पार्टी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं कि यहां से लोकसभा चुनाव के लिए कौन दो लोग होंगे। उन दो लोगों के नामों की घोषणा में अभी समय लगेगा, लेकिन इन 8 जगहों से पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसी ही और अपडेट्स लेते रहिए।